हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डीजे धन टेक, ओनली टेक विदाउट मिस्टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी C11 वर्सेस रेडमी 9A का डिटेल कंपैरिजन। इसमें हम आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन के साथ दोनों मोबाइल का कंपैरिजन बताएंगे। तो पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। रियलमी C11 में आपको 164.4 mm की हाइट मिलेगी, 75.9 mm की आपको विड्थ मिलेगी और 9.1 mm की आपको थिकनेस मिलेगी। वेयर एज रेडमी 9A में आपको 164.9 mm की हाइट मिलेगी, 77.1 mm की आपको विड्थ मिलेगी और 9 mm की आपको थिकनेस मिलेगी। दोनों फोन का वेट 196 ग्राम्स है। दोनों फोन ड्यूअल नैनो सिम सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। दोनों फोन में आपको IPS प्लस LCD डिस्प्ले आपको मिलता है। Realme C11 का डिस्प्ले साइज है 6.5 inches, वेयर एज Redmi 9A का डिस्प्ले साइज है 6.53 inches। Realme C11 में आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन मिलता है 720x1560 pixels, वेयर एज Redmi 9A में आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन मिलता है 720x1600 pixels। दोनों फोन में 20:9 बॉडी एक्सपेक्ट रेशियो आपको मिल जाता है। Realme C11 में आपको 270 पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है, वेयर एज Redmi 9A में आपको 269 पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। Realme C11 में आपको Realme UI 1.0 मिलेगा जो Android 10 के ऊपर बेस्ट है, वेयर एज Redmi 9A में आपको मिलेगा MIUI 12 जो कि Android 10 के ऊपर बेस्ट है। Realme C11 में MediaTek Helio G35 12 nm का चिपसेट यूज किया गया है, वेयर एज Redmi 9A में MediaTek Helio G25 12 nm का चिपसेट यूज किया गया है। दोनों में आपको ऑक्टाकोर CPU मिल जाता है, GPU भी दोनों का अच्छा है। अब बात करते हैं मेमोरी के बारे में। Realme C11 में आपको एक ही वेरिएंट आता है जो है 2GB 32GB RAM वाला, वेयर एज Redmi 9A में आपको दो वेरिएंट आते हैं, एक 2GB 32GB वाला वेरिएंट और दूसरा आता है 3GB 32GB वाला वेरिएंट। दोनों में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड मिलता है। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। Realme C11 का मेन कैमरा ड्यूअल सेटअप में आता है। फर्स्ट कैमरा 13 MP विद F2.2 अपर्चर और जो सेकेंडरी कैमरा है वो आता है 2 MP विद F2.4 अपर्चर फॉर डेप्थ सेंसिंग। और इसमें आपको LED फ्लैश, HDR पैनारोमा के फीचर्स मिलते हैं और आप इसमें वीडियो क्वालिटी 1080 pixels एट 30 FPS पे शूट कर सकते हो। वेयर एज Redmi 9A में आपको सिंगल सेटअप कैमरा मिलेगा जो कि 13 MP विद F2.2 अपर्चर है। इसमें आपको LED फ्लैश प्लस HDR फीचर्स मिलेंगे। आप इसमें वीडियो क्वालिटी 1080 pixels एट 30 और 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में। Realme C11 में आपको 5 MP विद F2.4 अपर्चर का फ्रंट कैमरा आता है और इसमें आपको HDR और पैनोरामा फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आप वीडियो क्वालिटी 1080 pixels एट 30 FPS शूट कर सकते हो। वेयर एज Redmi 9A में आपको 5 MP विद F2.2 अपर्चर का फ्रंट कैमरा मिल जाता है और इसमें आपको HDR फीचर्स मिलता है और आप इसमें वीडियो क्वालिटी 1080 pixels एट 30 FPS आप शूट कर सकते हो। दोनों फोन में डेडिकेटेड 3.5 mm जैक आपको मिल जाता है। दोनों फोन लाउड स्पीकर सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में। दोनों फोन में वाईफाई डायरेक्ट, हॉटस्पॉट, GPS आपको अवेलेबल मिल जाता है। दोनों फोन में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 आपको मिलता है। दोनों फोन में आपको NFC सपोर्ट नहीं मिलता। दोनों फोन में फिंगरप्रिंट आपको सपोर्ट नहीं मिलता। ये थोड़ी बुरी बात है कि एटलीस्ट ये बजट में आपको फिंगरप्रिंट देना चाहिए। USB की बात करें तो दोनों फोन में माइक्रो USB 2.0 यूज किया गया है और दोनों फोन USB ऑन द गो यानी कि OTG सपोर्ट आपको देते हैं। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। दोनों फोन में आपको 5000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है। दोनों फोन आपको 10W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देते हैं। दोनों फोन में आपको टाइप सी चार्जर नहीं मिलता है, इसमें आपको माइक्रो USB चार्जर मिल जाता है। अब बात करते हैं सेंसर्स के बारे में। Realme C11 में आपको मैग्नेटिक इंडक्शन, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलरेशन सेंसर मिलता है, वेयर एज Redmi 9A में आपको एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको मिलता है। अब बात करते हैं कलर्स के बारे में। Realme C11 आपको दो कलर वेरिएंट में आता है, एक मिंट ग्रीन और दूसरा पेपर ग्रे, वेयर एज Redmi 9A आपको तीन कलर वेरिएंट्स में आता है, एक कार्बन ग्रे, दूसरा स्काई ब्लू और तीसरा ओशियन ग्रीन। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। Realme C11 इंडिया में आपको Flipkart पे 7,499 रुपए में मिल रहा है, वेयर एज Redmi 9A का 2GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट आपको 6,699 में मिल रहा है और 3GB 32GB वाला वेरिएंट आपको 7,499 में मिल रहा है। ये अभी फिलहाल Flipkart वाला प्राइस है, ये प्राइस कभी भी ऊपर नीचे
हो सकता है। तो ये था डिटेल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन ऑफ बोथ द फोन्स। तो मेन सवाल यह आता है कि कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो हमारे हिसाब से दोनों फोन इस प्राइस सेगमेंट में बजट फोन है, आप किसी भी फोन के साथ जा सकते हो क्योंकि दोनों में इतना बिग डिफरेंस नहीं है कंपैरिजन में, दोनों का स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फोन लेना है। तो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मोबाइल स्पेसिफिकेशन वीडियोस, मोबाइल कंपैरिजन वीडियोस, मोबाइल इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, जय हिंद।